सिरसा के आसपास के क्षेत्रों में रंगोई नाले ने कहर बरपाना शुरू किया है। शहर में एक तरफ जहां घग्गर नदी बहती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये नाला घग्गर के तटबंध टूटने से जहां दो दर्जन गांवों की करीब 15,000 एकड़ खेतीहर भूमि जलमग्न हो चुकी है, तो वहीं अब रंगोई नाले ने भी कहर बरपाया है। सिरसा के आसपास के क्षेत्र में रंगोई नाले ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। शहर में एक तरफ जहां घग्गर नदी बहती है, तो वहीं दूसरी तरफ रंगोई नाला घग्गर के तटबंध टूटने से जहां दो दर्जन गांवों की करीब 15,000 एकड़ खेतीहर भूमि जलमग्न हो चुकी है, वहीं अब रंगोई नाले ने भी कहर बरपाना शुरू किया है। गाँव सिकंगपुर और बाजेका के बीच रंगोई नाला का तटबंध टूट गया, जिससे नेशनल हाईवे की सर्विस लेन तक पानी पहुँच गया। सिकंदरपुर गांव के ओवरब्रिज के साथ बाढ़ का पानी भर गया। शहर को बाढ़ से बचाने के लिए प्रशासन ने राज्य का वेदवाला रोड पर 10 फीट ऊंचाई तक मिट्टी डालकर सड़क को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। हालांकि ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। स्थिति बिल्कुल खतरनाक बनी हुई है। ग्रामीण पूरा सहयोग कर रहे हैं, यहाँ दिन रात लगे हुए हैं, रात को भी नहीं सोते। आज पूरा हफ्ता हो गया जी जो ये बांध लगा रहे हैं। ये गांव को सरासर डूबने की तैयारी इनकी, ये सिकंदरपुर और वैदवाड़ा दोनों गांवों की क्या बात। वो वहाँ बांध लगा रहे हैं, यहाँ इसको संभाल लें, यहाँ पक्का कर लें, टूटे ही ना। हम तो चाहते हैं कि सिरसा भी बचे, वो भी हमारे भाई हैं, हम भी बचें, लेकिन प्रशासन चाहता है कि ये डूब जाए, सिरसा बचे अकेला। ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। जब तक हमारे सांस है ना, तब तक हम संभाल के रखेंगे इसको। ग्रामीणों का कहना है कि रंगोई नाले के तटबंधों को मजबूत करने में प्रशासन किसी तरह की मदद नहीं कर रहा। बार बार प्रशासन से मांग की जा रही है कि एक पोकलेन मशीन उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि खेतों से जेसीबी की मदद से मिट्टी उठाकर तटबंधों पर डाली जा रही है। अब गड्ढे गहरे हो गए हैं और जेसीबी मशीन काम नहीं कर पा रही है, लेकिन प्रशासन पोकलेन मशीन उपलब्ध नहीं करवा रहा। बढ़ते खतरे को देखते हुए और रंगोई नाले पर चल रहे बचाव कार्य में किसी तरह का व्यवधान न आए, इसके मद्देनजर नेशनल हाईवे 9 को भी वन वे कर दिया गया। गांव बाजे का मोड़ पर पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर हाईवे को वन वे कर दिया है। अब फतेहाबाद की ओर जाने वाले वाहनों को वेदवाला गांव की तरफ से हाईवे की ओर भेजा जा रहा है, जबकि फतेहाबाद से आने वाले वाहन हाईवे से आ रहे हैं। तो सरपंच का छोटा भाई है जी, अज पंजवां दिन है जी लगातार, ना दिने सुते ना रात सुते हैं। ते तकरीबन अज तीजा दिन हो गया जिहड़ा प्रशासन नूं डीसी साहब नूं असीं मिल के कहता भी सानूं एक पोकलैन दे दो, होर कुछ नहीं। बाकी साडा पिंड लाई खड़ा, ट्रालियां सारे पिंड दीआं ने, सारा पिंड इत्थे लग्या, दिने भी लगदा रात भी लगदा है, लेकिन जेसीबी अगा चलणियां बंद हो गईआं जी। वह पानी खड्डे वज गए 4-4 फुट, ते प्रशासन ने सानूं अज 4 दिन हो गए एक पोकलैन नहीं भेजी, जिहदे करके एक सारा काम रुकिआ। मान लो इन्नी परेशानी आई पई है पिंड च, पानी इतों टुटेगा तो सरसे नूं जा लगना है, सब तो वड्डी गल है। तो ये कहिंदे भी अहीं बन्न मार लिया, जे ज्यादा होया तो फिर अहीं बन्न तोड़ांगे भी, जे साडा पिंड डुबदा होया तां। वेदवाला के ग्रामीण और यशपाल ने कहा, ग्रामीण अपने स्तर पर रंगोई नाले का तटबंध मजबूत कर रहे हैं, अगर ये तटबंध टूटता है तो गाँव वेदवाला समेत कई ऐसे गाँव हैं जो इसकी चपेट में आ सकते हैं। ग्रामीण बाढ़ से बचने के लिए कवायद में जुटे हैं, लेकिन प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा। ग्रामीणों ने कहा कि अगर ये बांध टूटता है और गांव में पानी घुसता है, तो वो शहर बचाने के लिए प्रशासन की ओर से बनाए गए अस्थायी बांध को भी तोड़ देंगे, इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। सिरसा से सतराम सिंह, टोटल न्यूज़।